दोस्तों, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आपके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ कंटेंट ना हो तो आप भी ऐसी वेब सीरीज बना सकते हैं जैसे कि G5 ने माफिया बनाई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे G5 पर रिसेंट रिलीज हुई वेब सीरीज माफिया के बारे में। मैं आशीष सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इससे प्रोडक्शन की एक नई वीडियो में। सबसे पहले हम लोग इस वेब सीरीज की कुछ मुख्य बातों की बात कर लेते हैं। तो इसके जो मेकर्स हैं उनका नाम है रोशन घोष और अरित्रा सेन। अगर हम लोग इसके टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो ईच एपिसोड आपका 30 से 35 मिनट एवरेज का है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको ईशा शाह, नंदिता बोस, निमित्त दास जैसे आपको एक्टर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इस वेब सीरीज़ की कुछ स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है 6 दोस्तों की जिनका नाम है ऋतिक, ऋषि, तान्या, नेहा और अनन्या, जो मतलब 6 को पुराने अपने कॉलेज के दोस्त हैं। तो वो उनमें से जो तान्या है उसकी एंगेजमेंट पार्टी अरेंज करते हैं, साथ में पार्टी और साथ में रियूनियन अरेंज करते हैं जो कि वो अरेंज करते हैं जो ऋत्विक है उसके एक घर है जंगल में, माधीपुर के जंगल में उनका एक बंगलो है। तो वो वहाँ पे अपनी रियूनियन पार्टी अरेंज करते हैं। वो उस बंगले से जुड़ी उनकी पिछली कुछ यादें, 6 साल पहले जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो उन्होंने पार्टी बनाने के लिए लास्ट जो लोग पार्टी बनाने गए थे वो इसी बंगले में बनाने गए थे। तो ये है, इस कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। अब हम लोग अगर कुछ आगे कुछ कहानी की बात करें तो इस कहानी में जो निमित दास हैं वो एक पुलिस वाले का करेक्टर निभा रहे हैं, बाकी ये 6 लोग हैं जो दोस्त हैं आपस में रियूनियन पार्टी बनाने आए हुए हैं। अगर इस स्टोरी में फिर आगे शुरू होता है, ये गेम खेलते हैं जिसका नाम माफिया है। ये काइंड ऑफ एक चोर पुलिस का गेम है जिसमें एक अगर गेम की बात करें तो ये गेम है ऐसा कि एक बंदा इसमें माफिया होता है जो सामने वाले किसी को मार देता है और वो उसमें दूसरे बंदे को जो कॉप्स पुलिस होता है, एक पुलिस होता है, उसे उसे ढूंढना पड़ता है। जो माफिया होता है वो अपने से ध्यान हटाने के लिए नए नए कुछ कर्तव्य करता है, दिखाता है कि ताकि लोगों का ध्यान उस पर हटता रहे। तो इस तरह का एक कुछ गेम है माफिया जो वो लोग खेलते हैं। अब हम लोग बात करें अगर इस वेब सीरीज की कुछ मेन पॉइंट्स की, तो वेब सीरीज के शुरू के 4 एपिसोड की बात करें तो बिल्कुल बेकार घटिया एपिसोड है। उसके अलावा आपको इस वेब सीरीज में बेवजह की गालें सुनने को मिलेंगी, बेवजह के इंटीमेट सीन देखने को मिलेंगे। आपको अगर एक कहानी का फ्लो है कि 6 साल पहले ही वो लोग ऐसे ही थे, आपस में गाली बकते थे, लड़ते थे, दोस्त हैं पर लड़ते हैं ऐसे ऐसे कुत्तों की तरह, तो हमेशा बेफालतू की इसमें लड़ाई दिखाई गई है जिसका कोई मतलब वास्ता नहीं बनता। शुरू के 4 एपिसोड तो बिल्कुल बेकार है, उसके बाद वेब सीरीज में थोड़ा मज़ा आना शुरू होता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको लास्ट वाले एपिसोड में आता है। जिस तरह उन्होंने लास्ट वाला एपिसोड बनाया, अगर वो उस कहानी को इस तरीके से शुरू से कंटिन्यू करके रखते तो वेब सीरीज बहुत अच्छी बनती। पर फिलहाल इस वेब सीरीज़ का अगर हम लोग बात करें तो आपका लगभग 4 से 5, 4 से 4.5 घंटे हैं, इसमें से 2-2.5 घंटे खराब होने वाले अगर आपको वेब सीरीज देखनी है, तो उसके बाद 2-2.5 घंटे आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर आप एक बेफालतू गाली सुनना पसंद है, इंटीमेट सीन देखना पसंद है, तो आप इस वेब सीरीज को मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा। आप जाके देखिए, आपको भरपूर इंटीमेट सीन देखने को मिलेंगे, भरपूर गालियाँ देखने को मिलेंगी, एक्टिंग का कोई नामो निशान नहीं है, कोई करेक्टर आपस में लिंक करता नहीं दिखता। अगर एक्टर्स की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के बजाय अपने फैशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने गालियों पे ज़्यादा ध्यान दिया, एक्टिंग कहीं दूर से दूर तक नहीं मिलती। कहानी बहुत अच्छी है, अगर इस कहानी को ढंग से पिक्चराइज किया जाता है या आपका इसको ढंग से दिखाने की कोशिश की जाती तो शायद ये वेब सीरीज बहुत अच्छी वेब सीरीज बन सकती थी। तो मेरी तरफ से वेब सीरीज बिल्कुल बेकार है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।